हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। क्या फ्रेंड्स, आप अपने अमेज़ोन का पासवर्ड भूल चुके हैं और आप अपना पासवर्ड को फॉरगेट करना चाहते हैं। और दोस्तों, आपको नहीं मालूम है कि अमेज़ोन का पासवर्ड कैसे फॉरगेट किया जाता है और दोस्तों आप सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि अमेज़ोन पर पासवर्ड फॉरगेट कैसे किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सिंपली क्या करना है, अपने अमेज़ोन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, आपका हिंदी हो तो हिंदी या इंग्लिश जो भी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑलरेडी ए कस्टमर। तो दोस्तों आपका ऑलरेडी मतलब पहले से ही अकाउंट बना हुआ इस पर, तो दोस्तों आपको सिंपली सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे या तो मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई एक डाल लेंगे जिससे आपका अकाउंट बना होगा। तो दोस्तों मेरा जो है मोबाइल नंबर है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर को डाल ले रहा हूँ। आपका जो होगा आप सिंपली यहाँ पर डाल लेंगे। उसका दोस्तों देखेंगे यहाँ पर कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको सिंपल अपने पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड कर एक ऑप्शन है, आपको सिंपली फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर शो होगा, उसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है। तो दोस्तों आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, आपको सिंपली उस OTP को इसमें डाल लेना है। दोस्तों देख सकते मेरा आ गया है 41 12, और दोस्तों 28 है आपका जो भी होगा वो आप डाल लेंगे 41 12 और 28। उसका दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, आपको सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है इंटर योर न्यू पासवर्ड, तो दोस्तों जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं वो इसमें डाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं री इंटर योर न्यू पासवर्ड, तो दोस्तों ऊपर जो पासवर्ड आप डालेंगे वही सेम पासवर्ड आपको नीचे भी डाल देना है। तो फ्रेंड्स दोनों में आप सेम ही पासवर्ड डालेंगे। उसका दोस्तों देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, आपका पासवर्ड जो है कम से कम 6 लेटर का रहना चाहिए, और दोस्तों वो भी सिंबल और मतलब एक वर्ड सेंटेंस सब में से मिक्स कर ही बनाएंगे ताकि आपका पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग रहे। उसका दोस्तों आपको सिंपली क्या करना, सेव एंड चेंज का एक ऑप्शन है, आपको सिंपल इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे आप सेव एंड चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपका पासवर्ड जो है सक्सेसफुली हो जाएगा, और अब आप वही पासवर्ड डालकर आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो है लॉगिन हो गया है, आपका भी अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो आप सिंपली वो मोबाइल नंबर डालेंगे और जो नया पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड डालकर आप सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो दोस्तों आप अपने अमेज़ोन के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने अमेज़ोन में खुद का पासवर्ड कैसे फॉरगेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार के एक दूसरे वीडियो में।